लास्ट टॉपिक पे हमारे चैप्टर के कोरोजन एंड रंजन। तो मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया कि कोरोजन हमारा कोरोजन और रंजिडिटी हमारे किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की। अब एक और बात सुनो, जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उनको हमारी एनसीईआरटी बुक में और आपके नोट्स में एक पर्टिकुलर नेम दे रखा है, क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। और एक और बात है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस, वो उन सब में हम क्या देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब उन सब में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन हमारे दो रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। कौन कौन से? एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले कि कोरोजन क्या होता है। किसी भी मैटर पे, किसी भी सब्सटेंस पे वो लग जाना, जंग लग जाना एक तरह से, उसका खराब हो जाना क्या होता है, कोरोजन। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल लेती हूँ आयरन का। आयरन जो होती है उस पे हम सबका ज्यादातर गेट आयरन का होता है और उस पे क्या होता है, कुछ सालों बाद हम क्या देखते हैं, रेड रेड सी ब्राउनिश कलर की क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ताले जो होते हैं, तालों को बहुत यूज करते हैं, या फिर वो किसकी प्रेजेंस में आते हैं, ऑक्सीजन की, ऑक्सीडाइजेशन। ध्यान रखना किसकी वजह से हो रहा था कोरोजन, ऑक्सीडेशन की वजह से। कैसे? कि जब हमारा स्टील का गेट, सॉरी स्टील का नहीं, लोहे का गेट खुला रहता है, उस पर पानी की छींटे भी आती हैं और वो किसकी प्रेजेंस में भी होता है, एयर की, तो उस पर क्या लग जाती है, जंग, कोरोजन। जंग को ही एक तरह से कोरोजन कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जंग बस लोहे पे लगती है, मतलब आयरन पे, और सब चीजों पे जैसे ब्रास पे क्या कहते हैं, काई लग जाती है, इन सबको भी क्या कहते हैं, एक तरह से कोरोजन ही कहते हैं। बस जंग को ही नहीं, जितने भी बर्तन खराब होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोरोजन। अब समझो जैसे ये आयरन पे वो लग जाना, रस्टिंग, कोरोजन जो होता है आयरन पे जंग लगने को इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी है कि Fe आयरन जब हमारा O2 की प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, और किसकी प्रेजेंस में आता है, वाटर की, H2O की, तो वो क्या फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर, जंग, अपने ऊपर ब्राउनिश, F2O3.H2O। ये इसका फॉर्मूला है, इसका रस्टिंग का। और आप लोग देख सकते हैं कि स्मेल क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, आपका कोरोजन खत्म। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, जिस तरह कोरोजन में क्या हो रहा था, मेटल और सब्सटेंस खराब हो रहे थे, उस तरह रेंसिडिटी में क्या हो रहा है, फूड स्पॉइल हो रहा है। अब स्पॉइल का मतलब बताने की तो जरूरत नहीं है, इतने भी छोटे नहीं हो आप लोग, मतलब फूड खराब हो रहा है। अब कुछ प्रिवेंशन भी होने चाहिए कि अब ऐसे तो सब चीज खराब होती जाएंगी, तो पहले कोरोजन के कुछ प्रिवेंशन पढ़ते हैं कि हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं रस्टिंग से और बाकी सारे बर्तनों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे आयरन से ले लो, आयरन जब खराब होता है तो हम उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन, ये सारी और चीजें हैं। गैल्वनाइजेशन आप लोग आगे पढ़ोगे, थोड़ा सिंपली बता देती हूँ, गैल्वनाइजेशन कुछ नहीं है, जिंक वो जो होती है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं बस, ठीक है। ये कुछ प्रिवेंशन से आपके नोट्स में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, वो कोरोजन के। अब रेंसिडिटी के क्या है, कि हम फ्रीज में रख दें अपने खाने को कि वो खराब ना हो, और जो चिप्स पैकेट्स वगैरह आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही तुम लोग आए दुकान पे, चिप्स वाले ने चिप्स भरे पैकेट में और सील करके दे दिया, वो पहले से ही पैक्ड होते हैं। उसमें इंडस्ट्री वाले नाइट्रोजन गैस का प्रेफर करते हैं, नाइट्रोजन गैस के होने से पैकेट में क्या नहीं होता, रेंसिडिटी नहीं होती। रेंसिडिटी का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती, क्योंकि क्या था, ऑक्सीडाइजेशन की वजह से खराब होते हैं। सेकेंड ये हो गया, एयर टाइट कंटेनर भी यूज करते हैं कि हमारा खाना खराब ना हो, और ऐसे कुछ सारे प्रिवेंशन हैं रेंसिडिटी के भी, बहुत कॉमन से, ठीक है। अब आप लोगों को चाहिए, हमने कुछ प्रिवेंशन के पॉइंट पढ़े दोनों के, कोरोजन के भी, रेंसिडिटी के भी। एक और बात है कि हम खाने को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें डीप फ्राई करते हैं या फिर ऑयल डाल देते हैं, जैसे अचार, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अचार। अचार में मम्मी खूब सारा तेल डालती जाती है, क्यों? और हम कहते हैं अरे इतना सारा तेल, क्यों? कि वो खराब ना हो जल्दी, क्योंकि अगर तेल भी डालेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रिवेंशन हैं जिसकी वजह से हमारा खाना बचा रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों का छोटा सा इजी सा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों
रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को जल्दी से अपने सामने अपने नोट्स खोल के रखो, अब मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले एक तरह से रिवीजन भी है, आप लोग जल्दी जल्दी समझना। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि केमिकल क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं तो हमने सबसे पहले पढ़ा था एमजी वाला, एक्टिविटी भी है आपकी एनसीईआरटी में, बहुत बार आ जाता है एग्जाम में भी, इम्पोर्टेंट है बहुत और इजी भी है एक तरह से मैं कहूँ तो इसे याद रखना, इसकी इक्वेशन भी याद रखना क्योंकि बहुत जगह काम आती है एमजी प्लस ओ टू गिव्स ऑफ एमजी ओ। ठीक है, सेकंड आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस में से ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार आ जाता है। क्या है जेड एन जिंक। अच्छा वैसे तुम साथ में एक्टिविटी की तरह आप लोगों में एक्टिविटी भी है कि हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने डाला H2SO4 का सॉल्यूशन, इसमें हमने कुछ जिंक के पीसेस डाले Zn+H2SO4। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक ऐसा पाइप लगाया, फिर दूसरे कंटेनर में ये आ गया, है ना। अब हमने क्या देखा, यहाँ से हमारी क्या इवॉल्व हुई, H2 गैस हमारी इवॉल्व हुई, H2 गैस हमारी इस कंटेनर में आ गई। हमें कैसे पता चले कि H2 गैस हमारी इसमें आ गई, तो हमने क्या करा, माचिस की तिल्ली मैचिस स्टिक जला के इसके ऊपर रखी, तो जब हमारी H2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगी तो कैसे साउंड के साथ इवॉल्व होगी, पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो ये हमारी पहचान है H2 गैस निकलने की। बहुत बार आ जाता है ये क्वेश्चन कि कैसे पता चले कि H2 गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर बहुत तरीकों से आ जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कि पीपीटी का एक एग्जाम्पल बताओ, या प्रेसिपिटेशन ही क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होती, तो आप लोग इसे भी बहुत अच्छे से करें। ये वाला एग्जाम्पल भी आ जाता है जो मैंने आप लोगों को हर बार बताया है, पोटेशियम आयोडाइड वाला, इसे भी करें। फिर आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन बता दिया मैंने आप लोगों को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था एक तरह से ये समझो कि यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कैसे आएंगे, हमें पूरी इक्वेशन दे रखी है, अब हमसे वो पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो। ठीक है, एंडोथर्मिक का एग्जांपल दो, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल दो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होते क्या है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। अब डिकम्पोजिशन में कैसे आ सकता है कि ये बताओ कि डिकम्पोजिशन है या नहीं है। डिकम्पोजिशन में भी डिकम्पोजिशन का कौन सा टाइप है, थर्मल का एग्जाम्पल दो, लाइट का, फोटो का एग्जाम्पल दो, इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल दो। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मिलते जुलते, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़े से कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, ट्विस्ट कर देता है कि एक इक्वेशन दे रखी है, अब वो पूछता है बताओ ये क्या है। तो बहुत से बच्चे क्या लिख देते हैं, अरे ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, तो अरे इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें तो रिडक्शन हो रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, होता वो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, गलती कर देते हैं, उसमें भी क्या लिखाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान देना कि जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, वो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इक्वेशन देने पर एग्जाम में बच्चे उसमें लिखे आते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान देना है, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आगे तक काम आएगी, याद रखना उसे। कार्लो ने कहा बेटा मम्मी आलू जरा फीके पके हैं, इजी तरीका है, ऐसे ही याद करना। फिर आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वही उसके जो कैरेक्टर्स बताए थे उन पे एग्जांपल्स हैं, उनको याद रखना। इस पे भी आ जाता है कि बताओ कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। रेंसिडिटी पे और कोरोजन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेंसिडिटी के प्रिविजन प्रिवेंशन बताओ और कोरोजन के प्रिवेंशन बताओ। कोरोजन में ये भी आ जाता है कि रस्टिंग का फॉर्मूला लिखकर बताओ, जो मैंने आपको बताया था ना, वो पूरी आ जाती है कि
अब इसे कंप्लीट करो, या तो ऐसे आ जाती है कि ऐसे दे रखा है Fe plus O2 plus H2O क्या बना X दे रखा है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद करके जाए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी, चैप्टर खत्म। आप लोग अब आप लोग का होमवर्क है कि जितने भी आप लोगों के नोट्स में इक्वेशंस हैं उन्हें पढ़े, याद करें, एनसीईआरटी के पीछे दिए गए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करें, ब्लूप्रिंट्स को करें। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारे केमिस्ट्री के चैप्टर के लिए कहूँगी, एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्टिविटीज में से। एक्टिविटीज पढ़ें और अपना बेस्ट दें, इस वाले चैप्टर में इम्पोर्टेंट है।